मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हम साथ में प्रैक्टिकल भी कराते रहेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सुअल मैटर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि वॉट इज वर्ड प्रोसेसर। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, ये टाइप्ड टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग करता है, यानी टेक्सचुअल मैटर पर प्रोसेसिंग करता है। इट हैज़ ऑल द फीचर्स दैट अ कन्वेंशनल टाइपराइटर हैज अपार्ट फ्रॉम टाइपराइटर। टाइपराइटर को छोड़ करके, टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा जैसे उसमें एक रिबन लगा होता है, पेज लगा होता है, और आप कोई भी की प्रेस करते हैं और वो की जाके हिट करती है हेड पर, उसका की का हेड जो है हिट करता है पेपर और रिबन के पर, तो प्रिंटिंग हो जाती है। वैसा नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं एडिटिंग के, यानी आपने कोई चीज़ लिखा उसकी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं उनमें मिलता है। जैसे आप देख भी रहे होंगे यहाँ कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये रेड कलर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, क्लियर। ये हेडिंग आपको लग रही है, तो ये फॉर्मेटिंग आपने कहाँ से की, ये वर्ड प्रोसेसर के थ्रू पॉसिबल हुआ। देखिए यहाँ पर कुछ बुलेट्स बने हुए हैं, पॉइंट आपको लग रहा है ना, लिखा टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कौन कौन से, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इन द टास्क बार में स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे। मूव द पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम इन द स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ठीक। इन द ऑल प्रोग्राम मेनू मूव द पॉइंटर्स टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया है। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर ऑल प्रोग्राम ओपन है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो 7 में ऑल प्रोग्राम या प्रोग्राम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर गए, फिर इसमें देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, वो ये टाइटल बार है। ये जो गोल सा बटन दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, ये इसको होम मेनू बोलते हैं, ऑफिस बटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। उसके नीचे है मेनू बार। मेनू बार में कौन कौन से मेनूज हैं, मेनू बार में आप देख रहे हैं होम मेनू, यहाँ पर आपको होम मेनू दिख रहा है, इंसर्ट मेनू दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, रेफरेंस दिख रहा है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इसके बाद जो नीचे ये दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ये रिबन जो आपको दिख रही पट्टी, ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में जो भी मेनू आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें व्यू मेनू सेलेक्ट है तो व्यू मेनू के ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर होम मेनू सेलेक्ट होता तो होम मेनू के ऑप्शन दिखते। उसके बाद नीचे दिख रहे हैं रूलर है, स्केल दिख रही है, रूलर कहाँ होती है, टॉप में और लेफ्ट में, और उसके बाद वाइट स्पेस यानी वर्किंग स्पेस होता है जहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं। अब कुछ है, हेडिंग है पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन, द एमएस वर्ड स्क्रीन आल्सो नोन एज द डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट विंडो भी बोलते हैं, जो स्क्रीन पर अपीयर होती है। द कर्सर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट कॉलम इन द वर्क एरिया। देखिए जब कर्सर कहाँ आपका होगा, सबसे पहले लाइन पर, पहले उसमें कॉलम में आपका वर्क स्पेस में कर्सर शो होता है, ठीक। इसके बाद द वर्ड स्क्रीन कंटेंस फॉलोइंग कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, टाइटल बार होगा, टाइटल बार मैंने दिखा दिया था, टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, मैं फिर से वापस चलता हूँ उसी पर। यहाँ देखिए ये टाइटल बार हो गया, फिर ये मेनू बार हो गया, फिर ये फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार, दोनों नाम हैं इसके, ठीक है। ये दोनों नाम
इसके लिए हैं, ये जो वर्ड स्क्रीन के कंपोनेंट हैं। फिर रूलर, रूलर मैंने दिखाया था टॉप में और लेफ्ट में, और नीचे सबसे नीचे पेज के स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या करता है पहले सबके बारे में बता देते हैं। मेनू बार जिसे टाइटल बार है, टाइटल बार इज एट द टॉप ऑफ द विंडो, इट डिस्प्लेज द कंट्रोल मेनू आइकन, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, द नेम ऑफ द करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड द थ्री बटन्स, नेमली मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर और मैक्सिमाइज एक ही बटन में होता है, और क्लोज बटन। तो टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नेम दिखाता है, और तीन यूनिवर्सल बटन मिलते हैं जो आप डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेनू बार, इट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ वेरियस मेनू लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा, ईच ऑफ दीज कंटेन्स डिफरेंट मेनूज टूल, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या करता है, फॉर्मेटिंग टूल बार शोज शॉर्टकट फॉर द टूल्स रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग टूल बार डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट मेनूज दिखाता है, क्लियर। रूलर, द रूलर बार आर प्रेजेंट ऑन द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, कि ये टॉप में और लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। स्टेटस बार आपको पता है, स्टेटस बार सबसे सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड स्क्रीन। द स्टेटस बार डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार क्या करता है, करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो कराता है, और द टास्क दैट यू आर करंटली परफॉर्मिंग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, पेज नंबर, लाइन नंबर एटसेट्रा, इन विच द कर्सर इज करंटली पोजिशन, कर्सर आपका कहाँ पर है, किस लाइन पर है वो दिखाएगा, किस पेज नंबर पर है ये दिखाएगा, कितने वर्ड लिखे ये दिखाएगा, ठीक। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जैसे मैं पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार है, पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार, द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो हैज टू स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटली, वाइल वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव द डॉक्यूमेंट वर्टिकली। द वर्टिकल स्क्रॉल बार हैज फोर बटन, कौन कौन से बटन होंगे, दी दोज विद सिंगल एरोज स्क्रॉल एंड डॉक्यूमेंट, ये कोई और एंट्री ले रहा है। तो ऐसे स्क्रॉल बार में स्क्रॉलिंग पेज की अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए होता है। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, मैंने ऑफिस बटन बताया था, देखिए मैं वर्ड ओपन भी कर किए ले रहा हूँ साथ में, तो साथ में अच्छा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ऑफिस बटन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है, देखिए सब वैसे दिख रहे हैं, इंसर्ट दिख रहा, होम मेन्यू दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है। तो अगर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं ऑफिस बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए न्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको, न्यू पर क्लिक करेंगे वैसे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक। ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो भी आपको ऑफिस बटन पर ही क्लिक करना है, देखिए मैंने यहाँ ऑफिस पर क्लिक किया, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, ऑफिस बटन में, ठीक है। तो ऑफिस बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपको वहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक। अगर आपको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे, सेव करना है तो सेव पर क्लिक करेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। देखिए सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है, पहले आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द सेव बटन फ्रॉम द अपियर्ड मेनू टू सेव एज, डायलॉग बॉक्स विल अपियर एज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फोल्डर टू सेव फाइल, जहाँ आपको सेव करना है वहाँ से सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यानी डॉक्यूमेंट में जाके फाइल सेव होगी, लेकिन अगर आप इसका कोई स्पेसिफिक फोल्डर देना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हैं, तो भी पॉसिबल है, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर फाइल का नाम टाइप कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा।
ओपनिंग एंड अगर किसी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को आपको ओपन करना है तो भी आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, और अब आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ जो मेनू अपीयर होगा उसमें फाइल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, कर्सर मूवमेंट देखिए, स्क्रॉल बार में मैंने दिखाया था लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चार पोजीशन होंगी। तो देखिए ये हमारा जो बॉटम में स्क्रॉल बार होता है, देखिए रूलर क्या होते हैं, दो रूलर होते हैं टॉप में और लेफ्ट में, इसी तरह दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक राइट में और एक बॉटम में। तो जो बॉटम में स्क्रॉल बार है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये स्क्रॉल बार लेफ्ट पेज को लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए होता है, यानी ये हॉरिजेंटली मूव कराता है, और ये है वर्टिकल। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या करता है, पेज को अप या डाउन कराने के लिए। देखिए डाउन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, अप के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक, आप बीच में भी क्लिक नहीं इसको होल्ड करके और स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ मैंने होल्ड किया है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, किसी टेक्स्ट को लिखना है, एंटरिंग टेक्स्ट टू क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन कॉल्ड कर्सर कैन बी सीन इन द वर्क स्पेस। अगर आप दिखेगी जिसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, उस कर्सर के जहाँ पोजीशन पर ही हम टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर कर्सर की पोजीशन होगी वहीं टाइप करता रहेगा, कर्सर आगे मूव भी करता रहता है। ठीक है, द कर्सर शोज पोजीशन वेयर टेक्स्ट विल बी टाइप्ड। कर्सर क्या दिखाता है, जहाँ पर टेक्स्ट टाइप होना है या जहाँ पर टाइप होगा वो पोजीशन दिखाता है। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़ लेंगे इसको। मैं ये PDF क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत क्लास में पोस्ट कर दूंगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और सेलेक्ट टेस्ट, टेस्ट को सेलेक्ट करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड का यूज करके करिए या तो माउस का यूज करके। अगर माउस का यूज करना है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माउस से, इस समय मैंने माउस को जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पर होल्ड कर लिया उसके लेफ्ट बटन को, और उसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट हो रहा है। कीबोर्ड से भी सेलेक्ट हो सकता था, शिफ्ट और एरो की का यूज करके, शिफ्ट बटन दबाया और एरो की का यूज करके हम देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं। इस समय मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट एरो की से लेफ्ट साइड का, डाउन एरो की से डाउन साइड का, अप एरो की, राइट एरो की, फोर साइड एरो की होती हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीबोर्ड से कैसे करना है मैंने बता दिया है। टेक्स्ट को एडिट करना है तो डॉक्यूमेंट ओपन करिए, और जो टाइप आपने किया उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर कट और पेस्ट का ऑप्शन आता है, कट एंड पेस्ट। देखिए किसी, मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया है, मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज लार्ज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द टाइप कर देता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, अब ये दो लाइन में दिख रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा है इसलिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कलर भी कर सकता हूँ किसी भी कलर में, जैसे मैंने यहाँ से कोई कलर ले लिया, रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई शब्द हटाना है, तो मैं जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करके, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी ऑप्शन पे गए, कॉपी किया, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, देखिए सेम लाइन यहाँ पर पेस्ट हो गई। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद जो आपने कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कब होगा, कट या कॉपीड मटेरियल ही पेस्ट होगा। ठीक, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू बी कट, क्लिक ऑन द होम मेनू, होम वही ऑप्शंस हैं सारे, स्टेप चेंज है थोड़ा सा। कॉपी एंड पेस्ट ऊपर था, कट एंड पेस्ट, तो मैं कॉपी और कट दोनों दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इस लाइन को मुझे यहां से कट करना है, तो कट करेंगे, कॉपी किया था तो वहां ओरिजिनल पोजीशन पर भी थी और दूसरी पोजीशन पर भी आ गई, लेकिन अगर मैं कट करूंगा तो यहां से रिमूव होगा और नई पोजीशन पर, मान लीजिए मैं इसको इससे पहले रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करिए या पेस्ट पर क्लिक करिए, देखिए वो लाइन ऊपर पहुँच गई। तो कट पेस्ट
Your voice is not coming.